हेलो फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब लोग ठीक होंगे, मस्त होंगे, मज़े कर रहे होंगे, क्योंकि अभी फेस्टिवल चल रहा है तो सब लोग एंजॉय भी कर रहे होंगे और फेस्टिवल आने वाला भी है। तो देखिए, आज मैं बहुत ही प्यारा सा दीपावली डेकोरेशन ये तोरण लाई हूँ। बहुत ही आसान बनाना है, सिंपल सा है और बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है इसका। तो देखिए, अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, और अगर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपके एक सब्सक्राइब और लाइक से मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, और आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है, थैंक यू उसके लिए। तो ये देखिए, ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन है। तो मैं इसका पूरा लुक आपको दिखा देती हूँ कि ये कैसा दिख रहा है, तो फिर आपको बनाने में आसानी होगी। तो चलिए मैं लगा के इसको दिखाती हूँ। ये देखिए, लगाने के बाद ऐसा ये लग रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको बनाना। कैसे बनाना है मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए, इसको बनाने के लिए मैंने कई सारे कलर का ऊन लिया है, रेड, ग्रीन, येलो और क्रीम कलर। तो सबसे पहले मैं क्रीम कलर से इसका पट्टी बनाऊंगी, तोरण का पट्टी। तो उसके लिए ये देखिए, मैं चेन बनाऊंगी पहले, एक दो तीन, तीन चेन बनाने के बाद ये मैं खींच लूँगी, फिर एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह। चौदह बनाने के बाद ये देखिए, यहाँ पे तीन चेन छोड़ने के बाद इसमें हम डबल क्रोशिया करेंगे। एक और एक हमारा ये चेन काउंट हो जाएगा, फिर उसके बगल वाले चेन में हम बना लेंगे। उसके बगल वाले में बना लेंगे, तो इसी तरह से सभी चेन में हम एक एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। सभी में बनाने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ आगे हमें क्या करना है। ये देखिए, सभी चेन में मैंने एक एक डबल क्रोशिया बना लिया है, तो टोटल मेरा 15 डबल क्रोशिया बन गया है। अब यहाँ पे देखिए, तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाने के बाद ये देखिए, इसमें डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर से उसके बगल वाले में भी डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर से एक और में डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो टोटल हम चार डबल क्रोशिया बनाएंगे साइड के लिए। अब यहाँ पे देखिए, दो चेन बनाऊंगी मैं। दो चेन बनाने के बाद देखिए, एक दो तीन को स्किप करके ये चौथे वाले में डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर इसके बाद दो चेन देंगे इसमें, और फिर से इसी में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर यहाँ पे दो चेन देंगे, और फिर यहाँ पे एक दो तीन छोड़ के ये देखिए, चौथे वाले में डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन और ये चार। तो दोनों साइड हम चार चार डबल क्रोशिया बना लेंगे, देखिए इस साइड भी इस साइड भी। अब यहाँ पे तीन चेन बनाएंगे, तीन चेन बनाने के बाद फिर इसमें देखिए डबल क्रोशिया बनाएंगे, ये चेन छोड़ के इस वाले में बनाइएगा, नहीं तो फिर आपका टेढ़ा हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, और फिर उसके बगल वाले में एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है, इस तरह से। अब यहाँ पे दो चेन बना लेंगे, और फिर ये जो बीच में हमने दो डबल क्रोशिया बनाया है इसमें हम छः डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक दो तीन चार पाँच और ये छः। अब यहाँ पे फिर से दो चेन बनाएंगे, और चारों डबल क्रोशिया के ऊपर चार डबल क्रोशिया बना लेंगे, एक
दो, तीन और ये चार। फिर से ये तीन चेन बनाएंगे, इसको टर्न करेंगे और इस वाले चेन में हम डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर उसके बगल वाले चेन में और फिर से उसके बगल वाले चेन में, ठीक है। अब यहाँ पे एक चेन बनाएंगे और यहाँ नीचे से हुक को डालेंगे और इसको इस तरह से लॉक कर लेंगे। अब यहाँ पे फिर से दो चेन बनाएंगे, सॉरी एक चेन, और ये बीच बीच में हम ये जो छह हमने बनाया था डबल क्रोशिया, तो तीन इधर और बीच वाले में हम डबल क्रोशिया कर लेंगे। फिर दो चेन बनाएंगे और फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर हम चेन बना लेंगे एक और इनको बांध लेंगे इस तरह। ये देखिए, तो ये हमारा फ्लावर पैटर्न बनेगा इस तरह से। यहाँ पे फिर एक चेन डालेंगे और फिर से डबल क्रोशिया बना लेंगे। ये देखिए, तो ये डिज़ाइन इस तरह से हमारा बन के आएगा। तो इसी तरह से हम पूरा अपने साइज़ के अकॉर्डिंग बना लेंगे। फिर उसके बाद हम दिखाते हैं कि आगे हमें क्या करना है। तो पहले मैं पट्टी बना लेती हूँ। पूरा साइज़ दरवाजे का नाप आप ले लीजिएगा, किसी का दरवाज़ा थोड़ा छोटा भी होता है तो अपने साइज़ के अकॉर्डिंग आप बना लीजिए। फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि आगे क्या करना है। देखिए, ये पूरा मैंने तोरण पट्टी बना लिया है। ये मैंने 36 इंच का बनाया है। अब यहाँ से मैं रेड कलर जॉइंट करूँगी बॉर्डर बनाने के लिए। तो यहाँ पे मैं सिंगल क्रोशिया कर लूँगी, ये देखिए। फिर इस वाले में सिंगल क्रोशिया करूँगी, दो सिंगल क्रोशिया करूँगी। फिर देखिए, इसमें एक डबल क्रोशिया में दो सिंगल क्रोशिया करेंगे। ये देखिए, अगर खिंचाव लगे तो तीन भी आप कर सकते हैं। देखिए, सभी डबल क्रोशिया में दो सिंगल क्रोशिया कर लेना है। तो इसी तरह से हम पूरे में कर लेंगे, ठीक है। इसी तरह से हम पूरा राउंड बना लेंगे। फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। देखिए, ये पूरा बॉर्डर कंप्लीट हो गया है। मैंने पूरे में रेड कलर का सिंगल क्रोशिया बना दिया है, ठीक है। देखिए, इस तरह से ये दिख रहा है। अब इसमें जॉइंट करने के लिए हम फ्लावर बनाएंगे। तो फ्लावर के लिए पर रेड कलर लेंगे हम। तो ये फ्लावर मैंने एक और तोरण में बनाना बताया है, आप जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पर। अगर नहीं समझ में आया इसमें तो उसमें भी आप देख सकते हैं, और फिर भी नहीं समझ में आए तो आप कमेंट कर सकते हैं। देखिए, मैं पहले तीन चेन बनाई, तो एक चेन मैंने खींच लिया है। खींचने के बाद ये देखिए, ये गार्ड बन गया हमारा। अब यहाँ पे देखिए, एक चेन हमारा बना हुआ है, क्योंकि मैंने तीन चेन बनाया था ना, तो एक चेन का गार्ड बना और दो चेन और है। फिर उसके बाद तीन, चार, पाँच और ये छः चेन बनाने के बाद इसको देखिए, इसमें हम जॉइंट कर लेंगे और इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ पे देखिए, तीन चेन बनाएंगे। अब इसी में हम 24 डबल क्रोशिया कर लेंगे। तो ये दो हमारा हो गया, तीन, चार, पाँच। तो इसी तरह से 24 यानी कि 24 डबल क्रोशिया हम बना लेंगे। फिर मैं बनाने के बाद दिखाती हूँ आगे क्या करना। ये देखिए, ये 24 मैंने डबल क्रोशिया बना लिया है। तो एक बार बनाने के बाद भी आप काउंट कर लीजिएगा। अब यहाँ पे देखिए, ये जो चेन है इसमें हम जॉइंट करके इसको
स्लिप स्टिच कर लेंगे। अब यहीं से हम चेन बना लेंगे, दो तीन और ये चार। तीन चेन जो मैंने बनाया वो डबल क्रोशिया अकाउंट होगा और एक चेन जो बनाया मैंने वो ये स्पेस के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस वाले से हम डबल क्रोशिया करेंगे, एक डबल क्रोशिया फिर एक चेन, फिर से उसके बगल वाले में भी एक डबल क्रोशिया और एक चेन, फिर से एक डबल क्रोशिया बनाएंगे और एक चेन बनाएंगे। तो ये इसी तरह से हम पूरा राउंड कंप्लीट कर लेंगे, एक चेन एक डबल क्रोशिया, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मैं राउंड कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना है। ये देखिए ये राउंड कंप्लीट हो गया, मैं एक चेन देके और यहाँ पे जॉइंट कर ली। अब फिर से यहाँ पे चेन बना लेंगे तीन और फिर इसी में एक और डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो इसमें हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर उसके बगल वाले चेन जो मैंने स्पेस दिया है उसमें भी दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो सभी चेन जो मैंने एक एक चेन दिया है तो सभी में हम दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, ठीक है। ये देखिए इस तरह से दो दो डबल क्रोशिया बनाएंगे। तो ये राउंड हम ऐसे ही कंप्लीट करेंगे, दो दो डबल क्रोशिया डाल के, इसमें चेन हमें नहीं डालना है फ्रेंड्स। देखिए नीचे मैंने 24 बनाया, फिर उसके बाद मैंने एक एक डबल क्रोशिया बनाया, एक चेन एक डबल क्रोशिया, फिर उसके ऊपर देखिए मैं दो दो डबल क्रोशिया डाल रही हूँ सभी चेन में। तो ये राउंड मैं इसी तरह कंप्लीट करके फिर दिखाती हूँ आगे क्या करना। ये देखिए ये पूरा कंप्लीट हो गया। अब मैं यहाँ से ग्रीन कलर लगाऊंगी, कहीं से भी आप जॉइंट कर सकते हैं। तो ये देखिए इस वाले डबल क्रोशिया से मैं ग्रीन कलर जॉइंट कर रही हूँ। इस तरह से स्लिप स्टिच कर लेंगे, हम गार्ड बांध दिए हैं, नॉट लगा लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए चेन बना लेंगे, दो तीन और ये चार। तीन चेन मैं वो डबल क्रोशिया के लिए बनाई और एक चेन किसके लिए, स्पेस के लिए। आपको पता है ना स्पेस के लिए एक चेन हमें बनाना होता है। अब इसके बगल वाले चेन में फिर एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर से बगल वाले में एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। तो जैसे मैंने ये नीचे वाला राउंड में बनाया था वैसे ही इस वाले भी राउंड में हम वैसे ही सेम ही बनाएंगे। देखिए एक डबल क्रोशिया एक चेन, एक डबल क्रोशिया एक चेन। तो इसी तरह से ये राउंड कंप्लीट करेंगे, फिर उसके बाद वाले राउंड में मैं बताती हूँ क्या करना है। ये देखिए ग्रीन कलर से कंप्लीट हो गया है। अब यहाँ से मैं क्रीम कलर लूँगी, ये देखिए एक चेन पहले बना लेंगे, फिर इसमें एक दो दो चेन बनाया तो एक हमारा डबल क्रोशिया हो गया। अब यहाँ पे फिर से इसी में एक और डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर एक चेन बनाएंगे और फिर उसके बगल वाले चेन में हम दो डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक और ये दो। फिर से उसके बगल वाले में भी सेम, अभी मैंने यहाँ पे चेन नहीं डाला, एक बीच में हमें चेन स्पेस में देना है, ठीक है। दो डबल क्रोशिया बनाना है, फिर एक चेन फिर दो डबल क्रोशिया, एक दो, ठीक है, फिर एक चेन फिर दो डबल क्रोशिया। तो इसी तरह से ये राउंड हम कंप्लीट करेंगे, फिर अगले राउंड में मैं दिखाती हूँ क्या हमें क्या करना है। ये देखिए ये मैंने राउंड कंप्लीट कर लिया। अब मैं येलो कलर जॉइंट करूँगी, लेकिन ये जो धागा निकल रहा है इसको मैं बता देती हूँ कि कैसे इसको अंदर डालना है, क्योंकि कभी कभी विगनर जो होते हैं ना उनको नहीं समझ में आता है कि मैं ये धागे को क्या करूँ। तो इस तरह से देखिए हुक को ऐसे डालिएगा और इस तरह से धागा फंसा के और अंदर ऐसे निकाल लीजिएगा, तो ये धागा अंदर चला जाएगा, ठीक है। और इस तरह से अगर छोटा सा धागा रह गया है तो फिर आप जब ये दूसरा कलर का जॉइंट करोगे तो इसके साथ उसको दबाते हुए आप ले जा सकते हैं। तो देखिए इसमें मैं बिना गेट बांधे और मैं दूसरे तरीके से जॉइंट कर रही हूँ। देखिए इस तरह से मैं दो चेन बनाऊँगी ये धागा के साथ इस तरह से, और देखिए दो चेन बनाने के बाद हो सकता है मेरा एक और चेन बन जाए। तो इस तरह से ये धागा हमारा अंदर चला गया, ठीक है। अब यहाँ पे फिर से इसी में मैं
डबल क्रोशिया बनाऊंगी। तो एक तो ये मेरा चेन काउंट हो जाएगा, दो तीन हो गया, और ये देखिए चार पाँच छः सात आठ, आठ डबल क्रोशिया इसमें करेंगे, और फिर बगल वाला जो चेन है इसमें हम एक सिंगल क्रोशिया करेंगे। फिर से ये बगल वाला जो है, देखिए यहाँ पे भी हमारा ये धागा आ रहा है, तो इसको हम दबा लेंगे इसी में, एक दो तीन ये चार पाँच छः सात और ये आठ। आठ डबल क्रोशिया करने के बाद ये बगल वाले में हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। तो जो आप बिगनर भी हो ना, वो भी आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि ये इसमें डबल क्रोशिया ही करना है बस, कोई इतना बड़ा नहीं है कि ये हम कैसे बना पाएंगे, तो आप आसानी से बना लोगे। तो ये राउंड कंप्लीट करके फिर मैं दिखाती हूँ कि आगे हमें क्या करना है। ये देखिए ये पूरा राउंड मैंने कंप्लीट कर लिया है। ये वाला जो पंखुड़ी है ना, ये पूरा 24 होना चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो आप काउंट कर लीजिएगा, नहीं तो फ्लावर बनाने में आपको प्रॉब्लम होगी, तो इसलिए पहले आप काउंट कर लीजिएगा कि ये 24 बना है या नहीं बना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ से ये जो हाफ डबल क्रोशिया है, तो इस साइड वाले हाफ डबल क्रोशिया से मैं ये रेड वाला स्टार्ट करूँगी और सिंगल क्रोशिया करनी है हमें, ठीक है इस तरह से। अब ये वाला जो चेन है, सभी चेन में हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, देखिए मैं धागा ऐसे दबाते हुए बुन रही हूँ, तो वो धागा नीचे आ जाता है, ठीक है, तो वो हमारा फिनिशिंग दिखने लगता है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ तक मैंने सिंगल क्रोशिया किया, और ये वाला जो है यहाँ भी नीचे हम इस तरह से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे, ये देखिए। अब ये मैं एक दो तीन चार पाँच, पाँच पंखुड़ी में करूँगी सिंगल क्रोशिया, फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि कैसे हमें जॉइंट कर लेना है। तो मैंने एक में किया है, इसी तरह चार और हमें कर लेना है सिंगल क्रोशिया, मैं करके फिर दिखाती हूँ। ये देखिए, अब ये मैंने पाँच में बनाया, एक दो तीन चार पाँच, ठीक है, और पाँचवें वाले में जो मैंने बनाया है वो सिंगल क्रोशिया के इस साइड बनाया है। अब इसको हम यहाँ पे फंदे को छोड़ के ये फंदा हम यहाँ से डालेंगे हुक को, ठीक है, और ये फंदा यहाँ से फंसाएंगे और इस तरह से इसको हम जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए एक फ्लावर हमारा बन गया, ये पांच पंखुड़ी का मैंने बनाया। अब यहाँ पे देखिए मैं दो पंखुड़ी में सिंगल क्रोशिया करूँगी, यहाँ पे भी येलो था धागा मेरा, तो ये मैं इसमें दबाते हुए और उसको बुन लूँगी, तो ये धागा भी हमारा अंदर चला जाएगा। और आप ध्यान से देखिएगा, ये नहीं है कि आप वीडियो स्किप कर लीजिएगा, वीडियो स्किप करेंगे तो फिर आपका अच्छा नहीं बनेगा, तो अच्छा नहीं बनेगा तो फिर आपको ही प्रॉब्लम होगी, इसलिए पूरा वीडियो देखिएगा और अच्छे से ध्यान से देखिएगा, ठीक है। एक एक पॉइंट देखना पड़ता है, क्योंकि कहीं पे भी अगर आप मिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगी। ये देखिए मैं अब दो पंखुड़ी में इसको सिंगल क्रोशिया कर ली हूँ, अभी दो चेन और बनाना है, फिर उसके बाद हो जाएगा दो। ये देखिए यहाँ तक मैंने कर लिया। अब ये जो है,
एक पंखुड़ी के बाद, जैसे यहाँ पे मैंने जॉइंट किया था, तो इसके एक पंखुड़ी के बाद यहाँ से हम जॉइंट करेंगे ये दो पंखुड़ी को इस तरह से। ये देखिए, ये इस तरह से यहाँ फ्लावर बन गया, ये इधर फ्लावर बन गया। अब फिर ये वाले डबल सिंगल क्रोशिया के बाद वाले से फिर मैं सिंगल क्रोशिया बनाऊंगी। तो अब हमें कितने पंखुड़ी में बनाना है आपको पता है? अगर आप पिछला वीडियो देखे होंगे तो आपको पता होगा, अगर नहीं देखे होंगे तो आपको नहीं पता है। तो नहीं पता है तो कोई बात नहीं, मैं बता देती हूँ। ये चार पंखुड़ी में हम इसको बनाएंगे, चार पंखुड़ी में हम ये सिंगल क्रोशिया कर लेंगे। फिर उसके बाद मैं दिखाती हूँ कि चार पंखुड़ी करने के बाद फिर कैसे हमें ज्वाइंट करना है। तो देखिए, एक दो तीन चार, चार में मैं कर लेती हूँ फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए, चार मैंने बना लिया, एक दो तीन चार। अब इसको देखिए, यहाँ पे मैंने फंदे को छोड़ा और ये जो दो हमने बनाया था ना यहाँ पे, और जो इसमें जोड़ा था उसके बीच वाले में, ये देखिए डबल क्रोशिया के सॉरी सिंगल क्रोशिया के बीच से हम ऐसे हुक को डालेंगे और यहाँ से इसको फंसाएंगे इस तरह से, और इधर इसको निकाल लेंगे। ये देखिए, तो ये देखिए हमारा दो पंखुड़ी बन गया, एक और ये दो। तो टोटल हमें चार पंखुड़ी का फ्लावर बनाना है। तो फिर से अब हमें यहाँ पे क्या करना है, दो पंखुड़ी में फिर से हमें सिंगल क्रोशिया करनी है और फिर रिपीट करेंगे वैसे ही जैसे मैंने यहाँ पे किया था। तो एक बार और मैं दिखा रही हूँ आपको ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। जिनको नहीं समझ में आएगा वो कमेंट करके पूछ सकते हैं कि कैसे बनाना है, मैं बता दूंगी आपको फिर से। और ये फ्लावर बना के आप कुछ भी बना सकते हैं, जैसे थाल पोस भी आप बना सकते हैं, स्वेटर में भी लगा सकते हैं आप। छोटा फ्लावर बना के इससे छोटा फ्लावर भी बन जाएगा आपका, कलर भी आप अलग यूज कर सकते हैं, जो आपको पसंद हो वो कलर का आप बना सकते हैं। तो ये देखिए, दो पंखुड़ी मैंने फिर सिंगल क्रोशिया कर लिया है। अब यहाँ पे फिर से मैं इसमें ऐड करूँगी एक ये पंखुड़ी यहाँ से छोड़ के। देखिए, एक दो तीन हमारा इधर रह जाता है और एक इस साइड इसको जॉइंट कर लेंगे इस तरह से। अब फिर से सिंगल क्रोशिया कर लेंगे चार में। चार में करने के बाद फिर मैं दिखाती हूँ आपको। अब ये देखिए, यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है। अब मैंने ये देखिए, दो मैंने आपको दिखाया बनाते, एक मैंने ये बना लिया है, तो ये तीन पंखुड़ी मैंने बना लिया है। अब एक चौथा में देखिए, यहाँ पे ध्यान देना है आपको। देखिए, एक दो तीन मैंने बनाया, तीन बनाने के बाद जो ये पीछे वाला फ्लावर है ना, जो इस साइड वाला, इसको हम जोड़ेंगे इस तरह से। इसको जोड़ने के बाद तब फिर एक पंखुड़ी में हम सिंगल क्रोशिया करेंगे, क्योंकि चार पंखुड़ी में हम सिंगल क्रोशिया करने के बाद तब हम बनाते हैं एक एक फ्लावर हमारा बनता है। तो इसलिए इसमें तीन पंखुड़ी में बनाने के बाद फिर हमें जोड़ लेना है साइड वाले को, तो वैसे एक दूसरे में वो कनेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पर फिर हम एक बनाने के बाद चार हमारा हो जाएगा ये, ये देखिए अब ये चार हो गया। चार होने के बाद इसको हम इसमें जोड़ लेंगे जो आगे जोड़ते हैं ना। देखिए, जब आप बनाने लगोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कहाँ से कहाँ जोड़ना है हमें। देखिए, अब ये इसको यहाँ पे जोड़ लेंगे, इस तरह से इसको जॉइंट कर लेंगे यहाँ पे, ठीक है। अब ये हमारा एक बच गया और एक तो पहले ही मैंने इधर बना लिया था, तो इसको अब हम सिंगल क्रोशिया कर लेंगे इसमें। एक बार आप ट्राई ज़रूर कीजिए, आपको बहुत आसानी से बन जाएगा।
अगर टेंशन भी ले रहे होंगे ना तो भी टेंशन गायब हो जाएगा और आपसे बहुत अच्छे से बन जाएगा। और आपसे जब बन जाए तो प्लीज़ हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपने कैसा बनाया। ये देखिए अब ये हमारा कंप्लीट हो गया। अब यहाँ पे हम इसको जॉइंट कर लेंगे स्लिप स्टिच करते हुए। एक चेन बना लेंगे और इसको कट कर लेंगे। अब ये मैं दिखा देती हूँ कि कैसा ये कंप्लीट हुआ है बनके। ये देखिए ये इस तरह से कंप्लीट हुआ है। तो आपको ये फ्लावर कैसा लग रहा है? और यहाँ पे आप मोती लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जब आप मोती लगाओगे ना तो 12 mm का मोती लगाइएगा, तब यहाँ से आपका थोड़ा बड़ा दिखाई देगा। तो इसी तरह से मैंने 9 फ्लावर और बना लिए, मतलब ये इसको जोड़ के हमें 9 फ्लावर टोटल हमें बनानी है। तो ये देखिए मैंने यहाँ पे बनाया है और कई सारे फ्लावर, ये देखिए जो मैंने जोड़ रखे हैं एक दूसरे में। तो इसको कैसे जॉइंट करना है अब ये मैं आपको बताती हूँ। मैंने 9 फ्लावर बनाए हैं, ये देखिए। पिछला जो मैंने तोरण बनाया था उसमें 6 फ्लावर का बनाया था और इस बार मैंने 9 फ्लावर का बनाया है। तो ये मैं बताती हूँ कि कैसे जोड़ना है हमें। देखिए इस तरह से ये पट्टी में हमें जोड़ लेना है। तो पहले हम ये फ्लावर सारा रख लेंगे लाइन से, एक साथ एक के बाद एक। फिर उसके बाद ये मैं एक बार सेट करके फिर मैं दिखाती हूँ आपको कि कैसे करना है। ये देखिए इस तरह से मैंने सेट कर लिया है। यहाँ पे देखिए पिन लगा लिया काउंट करके। तो यहाँ से हम 9 डिजाइन छोड़ेंगे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 छोड़ने के बाद इस वाले में देखिए मैंने पिन लगाया है। यहाँ से मैं 17 काउंट करके यहाँ पे पिन लगाया है। तो इसी तरह से सारा हम 17 पे यहाँ पे भी लगाएंगे और फिर उस साइड भी। तो पहले मैं जोड़ के दिखा देती हूँ कैसे जोड़ना है। तो ये देखिए सुई के मदद से हम जोड़ लेंगे इसको। और अच्छे से जोड़ना है आपको, ठीक है? ये बात का ध्यान रखिएगा कि अच्छे से हमें नॉट लगाते हुए जोड़ना है इसको, अगर नहीं तो हमारा खुल जाएगा। मैं बार बार हर वीडियो में बोलती हूँ कि आप अच्छे से नॉट लगाइएगा, नहीं तो आपका निकल जाएगा। ये देखिए इस तरह से फिर से हम नॉट लगाएंगे, पिन को निकाल लेंगे। तो पहले आप पिन अप कर लीजिएगा, उसके बाद बराबर बराबर काउंट करके आप, अगर आपका ये डिजाइन 1-2 ज़्यादा होगा ना तो इस साइड आप पीछे साइड उसको यहाँ पे ज़्यादा ले सकते हैं, ठीक है? इस साइड स्टार्टिंग साइड में आप ज़्यादा डाल सकते हैं, दोनों साइड लेकिन सेम लेना, ठीक है? ये देखिए इस तरह से गांठ बांधने के बाद ये धागे को हम दूर जाके कट करेंगे ताकि हमारा निकल ना पाए। ये देखिए अब इसको हम कट कर लेंगे धागे को। इसी तरह से इसको भी मैं जॉइंट करूंगी। फिर इसके बाद देखिए एक फ्लावर हम यहाँ पे लगाएंगे। एक फ्लावर को हम इस तरह से जॉइंट करेंगे, इसको इसमें जॉइंट करेंगे और इसको यहाँ पे जॉइंट करेंगे इस तरह से। तो मैं जॉइंट करके फिर दिखाती हूँ आपको। ये देखिए मैंने इस साइड जोड़ लिया है। अब इस साइड मैं बताती हूँ आपको कि कैसे जोड़ना है। तो ये देखिए ये बीच में हमें फ्लावर रखनी है और ये वाला जो पंखुड़ी है यहाँ से 4 इस साइड 4 इस साइड रहेगा और बीच का जो ये चेन है इसको हम लेंगे और इस वाले भी पंखुड़ी में 4 इस साइड 4 इस साइड और बीच में जो चेन होगा ना हमारा उसी में हम इसको जॉइंट करेंगे, ठीक है? तो हम पीछे से जॉइंट करेंगे नीचे से,
ताकि जब हम नॉट लगाते हैं ना तो वो नीचे हमारा आ जाएगा, तो ऊपर हमें दिखेगा नहीं, और नीचे से ही हम धागा को सिक्योर करेंगे। देखिए इस तरह से मैं नीचे डाल दी। अब नीचे ही मैं इस साइड पीछे साइड गाढ़ बांधूंगी। तो ये आपका गांठ दिखेगा नहीं, है ना फ्रेंड्स। फिर इसको धागे को अंदर हमें डाल लेनी है। तो जितने भी हमने गांठ बांधे हैं उनको अच्छे से धागों को हमें सिक्योर कर लेना है। तो ये देखिए इस तरह से, फिर एक बार और मैं नॉट लगाऊंगी इसमें। ये देखिए ये इस तरह से अच्छे से इसको बांध लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसको धागे को दूर ले जाके कट करेंगे। अब इस तरह से इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ पे ये जॉइंट हो गया, ठीक है। तो इसी तरह से हम और फ्लावर को जॉइंट कर लेते हैं, फिर मैं दिखाती हूँ मोती कैसे लगाना है। ये देखिए मैंने सारे फ्लावर जोड़ लिए हैं और मैंने कुछ में देखिए मोती भी लगा लिया है। तो यहाँ पे देखिए मैंने एक नीचे वाला फ्लावर में मोती लगाया, जिसमें 5 मैंने मोती लगाया है, और ये एक मैं झालक लगाई हूँ, ठीक है। और इस इधर देखिए मैंने 3 लगाया है। तो ये देखिए मैंने कहाँ पर लगाया है मोती, ये दोनों जो फ्लावर जॉइंट किए हैं उसके बीच में एक लगाया है, एक इधर और एक इधर। तो आपको ये हाइट और लंबा करना है तो मोती आप और बढ़ा सकते हैं, 5-5 मोती और डाल दीजिएगा तो हाइट इसका और लंबा हो जाएगा। मैंने इसमें 10 मोती डाला है और इसमें 12-12 मोती डाला है। और ये मोती जो है हमारा ये 6 mm का है। अगर आपको इसे बड़ा मोती लेना है तो आप 8 mm का भी डाल सकते हैं, तो उसमें फिर ये हाइट और बड़ा हो जाएगा, और नहीं तो काउंट में आप मोती कम कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये देखिए यहाँ पे भी मैंने एक लगा दिया है। अब देखिए यहाँ पे मैं लगाऊंगी, ये देखिए मैंने 12 मोती इसमें डाला है, और ये जो ये दोनों के बीच में मैंने लगाया है, फिर इस वाले में, तो ये वाला जो जॉइंट है ना, ये जॉइंट इसमें मैं लगाऊंगी अब नेक्स्ट वाला। तो इस तरह से हम गांठ बांध के इसको मोती को अटैच करेंगे। और ये पोम-पोम बनाने का मैंने शॉर्ट अब डाला है, आप शॉर्ट में जाके देख सकते हैं मेरे चैनल पे कैसे इसको बनाना है। ये बहुत ही आसान होता है बनाना, एक बार आप ट्राई कीजिएगा, आपसे आसानी से बन जाएगा। इस तरह से अच्छे से हम इसको नॉट लगा लेंगे, ठीक है। इसको कट कर लेंगे। तो ये देखिए ये इस तरह से तोरण हमारा बनके कंप्लीट हुआ है। ये देखिए ये मैंने साइड में भी एक लगाया है, अगर लगे तो आप 2-3 भी लगा सकते हैं यहाँ पे, अच्छा लगेगा आपका। अब मैं यहाँ पे फ्लावर लगाना बताती हूँ। ये देखिए बॉर्डर में हमने ये फ्लावर लगाया है इस तरह से। तो ये फ्लावर कैसे बनाना है, ये देखिए ये फ्लावर मैं लगाना यहाँ पे बताऊंगी, और बनाना कैसे है वो मैंने लिंक डाल दिया है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप जाके देख सकते हैं कि ये फ्लावर मैंने कैसे बनाया है, क्योंकि मैंने इसका वीडियो पहले से ही अपलोड कर दिया है। तो ये देखिए मैंने फ्लावर कहाँ कहाँ पर लगाया है, ये दोनों फ्लावर के बीचों बीच यहाँ पर मैंने फ्लावर लगाया है। ये देखिए इस तरह से दोनों फ्लावर के बीच, यहाँ पे देखिए ये दोनों फ्लावर के बीच मैंने लगाया है। तो अब मैं अटैच करना बता देती हूँ आपको कैसे अटैच करना है। तो ये फ्लावर मैंने इतना बड़ा बनाया है कि ये बॉर्डर के दोनों साइड पूरा अच्छे से लग जाए, ठीक है।
तो ये देखिए यहाँ से पहले सुई से ही मैं लगाऊंगी इसको भी, बीच में मोती भी लगाना है। मोती मैंने 12 mm का लिया है इसका मोती, फ्लावर का मोती, और जो मैंने लटकन में लगाया है वो मेरा 6 mm का मोती है, ठीक है। तो आप जब शॉप में जाओगे ना तो अपने साइज के अकॉर्डिंग मोती लीजिएगा। ये देखिए इस तरह से यहाँ गाढ़ बन गया। अब यहाँ से इस तरह से लूँगी, यहाँ पे अच्छे से ही नॉट लगानी है हमें, ठीक है। ये देखिए अब ये मैंने यहाँ पे बीच में ये धागे को इस तरह से ले आई हूँ और फिर यहाँ पे मोती लगाएंगे सुई में डाल के, और फिर देखिए बीचों बीच इस तरह से सुई को डालेंगे। देखिए यहाँ से अब ये मोती हमारा यहाँ पे फिक्स हो गया और धागा भी नहीं दिख रहा, ये बहुत अच्छे से फिक्स हो गया है। अब यहाँ पे एक बार और इस साइड हम ले लेंगे धागे को। देखिए यहाँ से मैं डाल रही हूँ सुई को और नीचे से ऊपर निकाल रही हूँ, ठीक है। और फिर से एक बार इस साइड से नीचे से ले जाके इस साइड निकालेंगे, ठीक है। तो ये पूरा सिक्योर हो गया अच्छे से हमारा मोती। अब ये यहाँ पे जो हमारा पॉपकॉर्न है इसमें से लेते हुए धागे को और फिर ये पंखुड़ी के साथ इसको अटैच करेंगे। ये देखिए इस तरह से, देखिए कितना अच्छा से अटैच हो गया हमारा फ्लावर, और ये कभी निकल भी नहीं सकता है क्योंकि मैंने इसको बहुत अच्छे से लगा दिया है। और लूज ही धागा लगाइएगा, नहीं तो वो फ्लावर मुड़ा मुड़ा दिखेगा आपका। तो मैंने टोटल 5 फ्लावर लगाया है, आप इससे ज़्यादा लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं लेकिन अच्छा नहीं दिखेगा, तो इसलिए आपको भी बेटर होगा 5 ही फ्लावर लगाएं। इस तरह से धागा कट कर लेंगे हम। तो ये तोरण हमारा कंप्लीट हो गया है, ये देखिए, और ये बहुत ही प्यारा सा डिज़ाइन बन के आया है। तो मैं इसका फाइनल लुक आपको दिखा देती हूँ कि कैसा ये दिख रहा है। ये देखिए इसका फाइनल लुक इस तरह से दिख रहा है ये तोरण। अगर आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। अगर आप नए हैं मेरे चैनल पे तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ 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 लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें, और इसका बेल आइकन बजाना ना भूलें ताकि आपके पास सारा इसका नोटिफिकेशन मिलते रहें। चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।